विद्यार्थी के पांच लक्षण होते हैं, जानते हैं आप लोग? एक श्लोक है, काट चेष्टा को ध्यानम स्वयं निंद्रा तथा होता है, अल्पाहारी के इत्यादि विद्यार्थी के पांच लक्षण। बच्चों को श्लोक का अर्थ है, आप बता रहे आपको, बच्चों को काट चेष्टा कौए की तरह जैसे आपके सर क्लास में पढ़ाते रहते हैं, जैसे कौए को आपने देखा है आपके घर के मुड़े पे कहीं पे बैठा रहता है और घर में रोटी का टुकड़ा या कुछ दिखाई पड़ता है खाने को, तो आप कितना भी देखते रहिए उसको, लेकिन वो एक बार ही उड़ेगा वहां से और रोटी लेके उड़ जाए, भाग जाए। उसकी चेष्टा है, ऐसे आपको चेष्टा रहनी चाहिए। सर आपकी पढ़ा रही क्लास में तो जो शब्द बताया जा रहा है उसको आप ग्रहण कीजिए और वको ध्यान माने होता है बगुला। आपने तालाब में देखा बगले को नहीं, कहीं डल में वह जो है एक वायर पे खड़ा होता है, कभी कभी देखिए ऐसे पैर पैर रहता है और एक जल में रहता उसका पैर, लेकिन जब वह मछली को पकड़ता है अपनी चोट को एक बार ही जल में डूबोता है, लेकिन उसका वार खाली नहीं जाता है, वह मछली को तुरंत दो चप्पे पकड़ लेता है। तो वो ध्यान उसी बकरे की तरह आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि सर के मुख से कुछ भी निकले, मैं के मुख से कुछ भी निकले अच्छी चीज, उसको तुरंत आप पकड़िए, छोड़िए नहीं। गाँव के इसका वको ध्यान स्वान निद्रा, स्वान माने जानते हैं, स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते को आपने देखा सोते हुए कभी देखा है ना? लेकिन अगर आप उसके पास जाइए तो क्या होता है, जब आता है तो कुत्ते की तरह सोना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुत्ता बन जाइए उसके पास सोने जाइए, कहने का मतलब कि कम सोना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए कि शाम को अब 7 बजे से सुबह 8 बजे तक सोते रहिए, जब इतना सोएंगे पढ़ेंगे कैसे, तो कम सोना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, अल्पाहारी अल्प आहार अल्पाहार अर्थात थोड़ा भोजन, भोजन को जो है आप लोग कीजिए, ये नहीं कि सर कहे थोड़ा भोजन तो थोड़ा ना खा लीजिए, खाइए नहीं, इतना ज्यादा मत खाइए कि आपको बैठने में प्रॉब्लम हो जाए, आज ज्यादा खा ले आज सो जाए है, तो थोड़ा भोजन करना चाहिए, इतना भोजन करना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए सक्षम हो सके, ज्यादा खाएंगे तो आपको नींद आएगी सो जाएंगे, तो थोड़ा खाना चाहिए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब है कि घर के किसी कार्यों से आपको मतलब नहीं है, केवल आपको पढ़ाई से मतलब है, ऐसा नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, घर में कोई झगड़ा कर रहा है तुम भी झगड़ा करने लगो, ऐसा नहीं। गृह त्यागी का मतलब है कि घर के कार्यों से संबंध नहीं रखना, आपका कार्य है केवल पढ़ना ही, तो पढ़ने का कार्य होना चाहिए। ये विद्यार्थी के पांच लक्षण होते हैं, पांच लक्षण होते हैं, जो स्टूडेंट विद्यार्थी इन सभी लक्षणों का आचरण करता है वह जीवन में सदैव आगे बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने से बड़ों का, चाहे बुजुर्ग हो या आपसे कुछ बड़े हैं तब भी बड़े हैं, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्य विद्यम सेविना तस्य चत्वारि मध्यन्ते आयुर्विद्या यशो, बड़ों का सम्मान करने से, वृद्धों की सेवा करने से आपको चार चीजें प्राप्त होती मिलती है,
आयु विद्या शुभ, आपकी उम्र बढ़ती है, सदैव आपको आशीर्वाद मिलेगा, खुश रहो, बड़े हो जाओ, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, विद्या जो विद्या आपको मिलेगी तो आपको जो है यश होगा, चारों तरफ आपका यश फैलेगा, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सैनिक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, और जब ये सब चीजें आपको मिल जाएगी तो ताकत तो अपने आप आपके पास आ जाएगी, जब पैसा रहेगा आप बड़े लोग हो जाएंगे, तो इसलिए जो है सदैव आप जो है अपने से बढ़ो, अपने से बढ़ो, कहने के मतलब अपने से, जैसे आप कक्षा एक में है कक्षा दो वाले आपसे बड़े हैं, उनका भी सम्मान करो, ठीक है, इन चीजों का अपने जीवन में सदैव जो है पालन करना चाहिए।